आज मैं बिताने वाली हूँ अपनी पूरी रात एक मॉल में, जहाँ सिक्योरिटी और कैमरा की नजर से कोई नहीं बच पाता। तो देखना ये है कि क्या मैं अपनी पूरी रात सीक्रेटली इस मॉल में बिता पाती हूँ या नहीं। सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे ही गार्ड ने मुझे रोका और बोला कि आप ये कैमरा नहीं ले जा सकती। मैंने उनको बहुत मनाया कि मैं ये यूज नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। तब मेरे बहुत कहने के बाद उन्होंने माना और उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। तो गाइस, मेरी एंट्री हो चुकी है मॉल में और अब मुझे यहाँ अपनी पूरी रात बितानी, वो भी सीक्रेटली। और ये सोचकर मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि पता नहीं कैसे होने वाला है ये। लेकिन अभी तो इतने सारे लोग हैं, जब मॉल की टाइमिंग खत्म हो जाएगी तब कौन होता है और मुझे कौन पकड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता है। और सबसे बड़ा टास्क जो होगा वो होगा रात में शुरू, क्योंकि ये मॉल बंद हो जाता है 10:30 बजे। मॉल में एंट्री तो मैंने शाम के 5 बजे ही कर ली थी और मॉल बंद होने में भी बहुत टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं। वैसे मुझे शॉपिंग करनी तो नहीं थी, लेकिन मैं देखने जरूर चली गई और देखते ही देखते मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही ले लेते हैं। और एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब भी मैं कोई हिड या हाइड एंड सीक का कोई भी चैलेंज करती हूँ तो उस जगह की लाइट क्यों चली जाती है। तो गाइस, जो मुझे पसंद आया था वो मैंने ले लिया और मैंने शॉपिंग भी कर ली। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए यार, समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ पर हर कदम पे ना गार्ड है और वो हर चीज नोटिस भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि यार बीच में ही मुझे कोई पकड़ ना ले और फिर मेरा चैलेंज ही पूरा खराब ना हो जाए। देखो, एक और गार्ड मुझे देख रहे हैं अभी। अब मैं आ गई हूँ गेम जोन और यहाँ पर मैं खेलूंगी बहुत सारे गेम और मुझे यहाँ पर अपने 1-2 घंटे तो बिताने ही होंगे, क्योंकि रात होने में बहुत टाइम है यार। तो यहाँ पर तो अच्छा खासा टाइम निकाल लूंगी मैं, बहुत सारे गेम्स है यार। वाह, तो मुझे मिल गया मेरा कार्ड, अब चलो हम खेलते हैं। मैं चलाऊंगी कार्ड। मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे जाती हूँ और वहाँ मेरे पास करने के लिए इतना कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चलो गेम ही खेल लेते हैं। और यहाँ मैंने अपने पूरे 1-2 घंटे बिताए थे और इसी चक्कर में मेरे बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, लेकिन मुझे मजा बहुत आया। गाइस, मैंने बिता लिया यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम और बहुत देर तक बिता लिया यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोर की भूख। और गाइस, ये इतनी बड़ी फट्टू है ना, जो अभी इसकी फटने वाली है जब मॉल बंद होने वाला होगा। तुम्हारे साथ हो सकता है कुछ, दोस्त मेरे साथ नहीं होगा। मैंने कर रखा है, ये बेचारी इतना डर रही थी ना ये वाला चैलेंज करने के लिए। समझो, ये चैलेंज मैंने इसको दिया है, इसने एक्सेप्ट किया है, वरना ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली। गाइस, आप लोग पूछेंगे कि इतने टाइम बाद जब ये है वो मुजरिम जो यहाँ छुपने वाली है, और ये है वो पुलिस जो पीछे घूम रही है, ये इसको पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। अब तू बेटा, अब तू पकड़ी जाएगी और जेल में चक्की पीसेगी तू। चक्की पीसेगी। और टाइम देख लो गाइस, बज गए हैं पूरे 10:01। अब तेरा काम शुरू होता है, थोड़ी देर में मॉल बंद हो जाएगा मॉल में जिंदा रह के दिखाऊंगी। और अब वो टाइम आ गया था जिसका मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी। रात के 10:30 बज चुके थे और सारी शॉप्स क्लोज हो रही थी। गाइस, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो चलो अब मैं खाने वाली हूँ खाना जो कि मेरे लिए आ चुका है। गाइस, ये खुले आम बोल रही है भाई। जब बंद हो जाएगा तब भी रहूंगी। भाई गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी दिख रही है और मॉल बिल्कुल बंद होने ही वाला है। लोग कम हो चुके हैं, नीचे तो सारे ब्रांड्स भी क्लोज हो चुके हैं अभी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और वो गार्ड मुझे ही देख रहा है यार। और सबसे बड़ी बात, इस मॉल में इतनी सिक्योरिटी और इतने कैमराज है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर थोड़ी भी देर रुक पाऊंगी मॉल बंद होने के बाद। रात में जब मॉल बंद हो जाएगा मैं ये गाड़ी उठाऊंगी, चलाऊंगी और अपने घर ले जाऊंगी। अब ये बात किसी को मत बताना प्लीज, चुप। और इतने में ही मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लिया और उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बस भाग गई। तो यार, मैं आपको आराम से बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड पड़ गया था और उसको लग रहा था कि मैं कुछ कर रही हूँ। एक तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुछ लग रहा था पता नहीं कुछ कर रही है, ये वीडियो बना रही है, कुछ कर रही है। मैंने चलती रही, पता नहीं कौन से वॉशरूम में आ गई हूँ। अरे यार, मैं तो ये बेबी डायपर वाले में आ गई हूँ, यहाँ पर तो बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ना कि कैसा लग रहा है ये रूम मेरा, एक छोटा सा रूम लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो जो गार्ड थे ना वो मेरे पीछे आ गए थे यहाँ तक, उसके बाद अब अंदर तो नहीं आएंगे और अब अगर मैं नहीं मिलूंगी तो वो चले जाएंगे। तो गाइस, अब मैं सोच रही हूँ मुझे यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, मैं बहुत देर बैठ चुकी हूँ, निकलते हैं यहाँ से। और मुझे लगता है बाहर कोई भी होगा।
मैं आपको दिखाती हूँ कि मॉल की हालत क्या है और अभी कितने लोग हैं, देखो। और अब वो टाइम आ गया था जब मॉल में सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा और एक भी बंदा नहीं था। स्टाफ्स अपने अपने घर जा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड कुछ डिस्कस कर रहे थे, अपने में बातें कर रहे थे, उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और कुछ ही देर में जब मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे एक आंटी ने रोका और कहा कि आप आगे कहाँ जा रही हो, मॉल का टाइम तो खत्म हो गया है। और यहाँ तो मेरी डर से हालत खराब हो गई थी। गाइस, बहुत दौड़ भाग करने के बाद मुझे यहाँ पर जगह मिली है बैठने की, तो मैं आकर बैठी हूँ, ये देखो। और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैं 5-10 मिनट तो अपने बिता ही सकती हूँ, और कोई अगर गार्ड ना आया तो। अब वो टाइम आ गया था जब मूवी देखने का लास्ट शो चल रहा था, और इतने में ही एक गार्ड आ गए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं क्योंकि उनको लगा कि मैं यहाँ मूवी देखने के लिए आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा, और मैं वहाँ से निकल गई। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं अपना चैलेंज ना बहुत आसान कर सकती थी अभी मूवी हॉल जाकर और मूवी देखकर, लेकिन मुझे मूवी नहीं देखनी। मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर पूरे मॉल में घूमकर देखूंगी कि टाइम कैसे निकलता है। गाइस, मेरा मन कर रहा है मैं ये सारे कपड़े, ये सब कुछ उठा लूं, यार काश मैं ले सकती है। और मुझे जो ये आंटी दिखी है ना, इनका आशीर्वाद तो मैं लेकर रहूंगी क्योंकि मुझे चैलेंज पूरा करना है ना। आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं बहुत पागलपंती कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और कोई भी नहीं है, ये देखो। मुझे सब छोड़ कर चले गए यार। और इसके बाद मैंने सोचा कि मॉल में खुलेआम घूमना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और मैं चली गई पार्किंग। यार, एक तो लिफ्ट नहीं आ रही, इतना टाइम लगा यार। गाइस, मैं पार्किंग आ चुकी है, और पार्किंग आते ही मुझे मेरे स्वागत के लिए एक डॉगी दिखाया जो कि मेरा वेट कर रहा था। कब से दिखाती हूँ मैं ये डॉगी। चलो यहाँ से चलते हैं। पार्किंग आते ही मैंने देखा कि पूरी पार्किंग खाली है और सिर्फ 2-3 गाड़ियां हैं, और सिर्फ और सिर्फ 2-3 गाड़ियां हैं, वो भी जा रही थी। गाइस, मुझे अब ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई भी नहीं है और अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है वहां से कोई आ जाएगा या तो यहाँ से कोई आ जाएगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मॉल में अकेली हूँ और सब लोग जा चुके हैं, इसकी वजह से ही मुझे और ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं कोई है यार, कोई तो है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी सिक्योरिटी वाले भैया नहीं है, और मैं यहाँ पर आकर बैठ चुकी हूँ नीचे ही पार्किंग में, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ उसके बाद ऊपर जाऊंगी। चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं और रिलैक्स होते हैं यहाँ पे। और लिफ्ट में जाते ही मैंने देखा एक वर्कर को जो कि मॉल के ही वर्कर थे, और मैं उनके साथ अकेली थी लिफ्ट में, तो मुझे बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैंने सोचा बस जल्दी से लिफ्ट से निकलती हूँ। फूड कोर्ट आते ही मुझे लगा कि अब मैं ये कहाँ आ गई, यहाँ पर तो सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी थी, और उनको देखने के बाद तो मेरी डर से हालत खराब थी। मैं जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में सिक्योरिटी थी, मेरे पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। पर मैंने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा था कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट करके ही रहूंगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, मॉल बहुत डरावना होता जा रहा था। मेरे मन में इस टाइम पे ये डर भी आ गया था कि मैंने ये चैलेंज क्यों लिया और क्यों कर रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं अभी यहाँ पर सीढ़ियाँ, यार यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, कोई भी नहीं है यार, लेकिन मैं नीचे नहीं जाऊंगी। गलती से इमरजेंसी एग्जिट जाने के बाद मैं सीधा चली गई वॉशरूम। गाइस, अब मैं जिस वॉशरूम में आई हूँ ना, ये बड़ा वाला है, यहाँ पर ना बहुत सारे हैं, ये देखो। और उस टाइम जिसमें आई थी ना, वो छोटा वाला था। तो अभी मैं सोच रही थोड़ी देर यहीं पर रहती हूँ, टाइम मेरा यहीं पर ऐसे ही निकलेगा। मुझे लग रहा है कि मैं बाहर रहूंगी ना तो मुझे कोई ना कोई बोल देगा, पकड़ लेगा, क्योंकि हर कोई आगे पीछे इधर उधर घूम रहा है और हर फ्लोर पे कोई ना कोई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और यहाँ मैंने अपने आप को कर लिया वॉशरूम में लॉक। गाइस, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे कि हमेशा मैं अपने हीडिया किसी भी चैलेंज में चुकती हूँ ना, तो वॉशरूम आके चुकती हूँ, यहाँ पर सही लग रहा है मुझे, अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ। कुछ ही देर बाद मुझे किसी की चलने की आवाज आई, और वो जो भी कोई थे उन्होंने मेरे गेट को नॉक किया, शायद वो ये चेक कर रहे थे कि गेट के अंदर कौन है। और अब इस टाइम पे मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि मैं अब निकल कर क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी, और यहाँ मुझे वॉशरूम से निकलना ही पड़ा। फिर वो गार्ड मुझे एक दूसरे गार्ड के पास लेकर गए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही हैं? और मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे बस वॉशरूम यूज करना था, मैंने बहुत बहाने दिए, और उन्होंने मुझे कहा 12 बजे तक लास्ट होता है,
और बस 3 बजे तक लास्ट में इस मॉल में टिक पाई। मॉल की सिक्योरिटी इतनी होती है कि यहाँ पर कोई नहीं बच सकता। वैसे मुझे तो ये चीज अच्छी लगी कि ये लोग हर जगह पर हर कोने में इंसान को चेक कर लेते हैं कि कोई भी मॉल में बचा तो नहीं है, बाकी तो नहीं रह गया। तो अब बस आप लोग बताना कि मेरा ये चैलेंज कम्प्लीट हुआ है या नहीं। तो ये खत्म होती मेरी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करो। आपको इस वीडियो दिख रही होगी, तो मैं आपको लूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।